तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं मोस्ट बड़े अतंत्र सुन के, तो टेक सागर में आप लोगों का स्वागत है। आज बहुत दिन के बाद में फिर से एक न्यू वीडियो लेके आ गए और आज आप इसका टॉपिक है आईफोन में आईओएस 17 बीटा प्रोफाइल कैसे डाउनलोड करते हैं। तो आज इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ और आप लोगों को सबसे ईजी वे में बताने वाला हूँ। तो चलते सीधा मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले सफारी को ओपन कर लेना है। सफारी ओपन होने के बाद आप लोगों को वहाँ पर सर्च करना है आईओएस 17 बीटा प्रोफाइल। सर्च हो जाने के बाद आप लोगों को सबसे पहले वाला जो लिंक है डाउनलोड बीटा प्रोफाइल, उस पर क्लिक करना है। साइट खुल जाने के बाद आप लोगों को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, वहाँ पर आप लोगों को साइन अप पर क्लिक करना है। पर लोडिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा और आप लोगों को यहाँ पर पासवर्ड का जरूरत पड़ेगा, जो आप लोगों का एप्पल आईडी पासवर्ड है वो लगा लेना है। बाद आप लोगों को वहाँ पर एग्रीमेंट के लिए कुछ दिखाई देगा, जो उसको अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, या अगर अदरवाइज स्क्रॉल करके नीचे आप लोगों को एग्री का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको एग्री कर देना है। साइट ओपन हो जाने के बाद आप लोगों को आईओएस पे क्लिक करना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद में आप लोगों को इनरोल योर आईओएस डिवाइस पे क्लिक करना है। हो जाने के बाद आप लोगों को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद में आप लोगों को वहाँ पर beta.apple.com/profile दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक हो जाने के बाद आप लोगों को वहाँ पर से फोन सेटिंग में जाना है। फोन सेटिंग में जाकर जनरल पे जाना है। जनरल पे जाने के बाद आप लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को लोडिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप लोगों को यहाँ पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। क्लिक हो जाने के बाद आप लोगों का फोन का पासवर्ड जो है पासवर्ड लगा लेना है और डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। बस इतना ही हो गया। अब आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मिलता रहेगा। सो मिलते हैं इस वीडियो पे। सो बाय।